मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 8 राजा और भिक्षु आज हम पढ़े थे, उसका क्वेश्चन आंसर आज हम डिस्कशन करेंगे। राजा किससे बिछुड़ गया? राजा अपने सैनिकों से बिछुड़ गया। राजा ने पगड़ी की एक छोर किससे बांध दिया? राजा ने पगड़ी की एक छोर अपने घोड़े के कमर में बांध दिया। कुएं में किसने झांका? कुएं ने एक भिक्षु ने झांका। राजा क्यों दुखी हुआ? राजा को भिक्षु की सेवा करता देख, सब भिक्षु को भगाने की कोशिश करता देख राजा दुखी हो गया। सही विकल्प पर टिक निशान लगाइए। राजा शिकार खेलने कहाँ गया? जंगल में, वन में, नदी के किनारे? कहाँ गया? जंगल में। बाहर निकलकर राजा बहुत दक्ष हुआ, दुखी हुआ, क्रोधित हुआ या प्रसन्न हुआ? प्रसन्न हुआ। राजा को आशीर्वाद किसने दिया? व्यक्ति ने, भिक्षुक ने, संत ने? किसने दिया? भिक्षुक ने। गद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। एक बार एक राजा शिकार कर खेलने जंगल में गया। शिकार का पीछा करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया। प्यास के मारे व्याकुल होकर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। बहुत खोजा, खोज करने के बाद उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। कुएं में पानी तो था किंतु निकालने की कोई साधन न था। राजा ने अपने सिर की पगड़ी उतारी और उसकी एक छोर घोड़े की कमर से बांध दिया। देखो, राजा जंगल में क्यों व्याकुल हो गया था? राजा जंगल में प्यास के मारे व्याकुल हो गया था। राजा को क्या दिखाई दिया? राजा को एक कुआं दिखाई दिया। राजा ने अपने सिर से क्या उतारी? राजा ने अपने सिर से पगड़ी उतारी। देखो, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुएं में पानी तो था किंतु उस निकालने का कोई डेस्क न था, साधन। घोड़ा का डेस्क सुनकर वे उसके निकट आए। घोड़े का हिनहिनाना सुनकर उसके निकट आए। राजा रानी के साथ ऊपर डेस्क में बैठा हुआ था। राजा रानी के साथ ऊपर झरोके में बैठा हुआ था। हमें अपना डेस्क उसे दे देना चाहिए, हमें अपना सर्वस्व उसे दे देना चाहिए।